वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आ रहा है हमारा फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्यौहार होली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया, और पहले मैं सोच रही थी कि ना बनाऊँ, पर फिर मैंने सोचा कि शादी के बाद मेरी पहली होली है तो बना लेती हूँ। गुजिया बनाने में क्या होता है ना कि बहुत सारे लोगों तो मज़ा आता है बनाने में, लेकिन अकेले हो ना तो बनाने का मन नहीं करता है। क्योंकि मायके में तो हम बनाते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे होते थे ना वहाँ, तो बना लेते थे, मज़ा भी आता था। लेकिन फिर मैंने सोचा बना लेती हूँ क्योंकि पहली होली थी। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते, बनाते हैं गुजिया फटाफट। फ्रेंड्स, डो तो मैंने रेडी करके रखा हुआ था, और सूजी वाला, सूजी और मावे का जो मिक्सचर था वो भी रखा हुआ था। तो अभी मैं इसको टाइम के लिए छोड़ा था मैंने कुछ टाइम के लिए। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी, फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी। थोड़ा हल्का सा सॉफ्ट हो गया है तो फिर से इसे थोड़ा सा गूंथ लूँगी। तो चलिए मैडम, उतने मैंने सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा हार्ड काम लगता है हार्ड वाले। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे ना, ताकि जो वैसे तो जो गुजिया का जो डो होता है ना वो थोड़ा मैदा थोड़ा टाइट ही होना चाहिए, लेकिन ये वैसे मुझे लग तो ठीक रहा है कि इतना तो काफ़ी है, इतना टाइट ठीक है, क्योंकि ना मैदा मैं गूंथती नहीं थी गुजिया का पहले क्योंकि पहले तो थे ना मायके में, तो मैदा मैंने गूंथी थी क्योंकि मैदा गूंथने मुझे बहुत ताकत आती थी, इसीलिए मैदा नहीं गूंथती थी। फ्रेंड्स, मैदा हो गया है मेरा रेडी, परफेक्टली रेडी हुआ है, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड था उतना ही सॉफ्ट हुआ है, ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए नहीं होता है वैसे भी गुजिया में। तो फिर चलिए, मिक्सचर मैंने पहले ही रेडी कर लिया था, हीरा मिक्सचर, और इसको ठंडा करने के लिए भी मैंने छोड़ दिया था, काफ़ी पहले बना लिया था, तो अभी बहुत अभी ठंडा हो गया, मतलब ठीक है इतना। तो अभी हम पहले लोई बना लेते हैं, उसके बाद बेल लेंगे, और फिर उसके बाद फिलिंग बाद में करेंगे, पहले थोड़ी बहुत जब बना लेते हैं रोटियां, तो फिर चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रख ली हैं, और अभी हमने प्लेट्स में लगाना है जिसमें हमने गुजिया बना के रखनी है, उसमें तेल लगाएंगे हम ताकि गुजिया छिपके ना। तो फटाफट से लोहिया बनाते हैं और रोटी बेलते हैं और फिलिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स, मेरी इतनी सी गुजिया बन गई है, तो मैं पहले इसे फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में इन पर हवा लग जाएगी तो ये फट जाएंगे। ये बचा हुआ है मैदा, जो एक्स्ट्रा मैदा था जो गुजिया से कट के निकल जाता है, तो इसका हम बनाएंगे खस्ता। पहले इसे थोड़ा सा अच्छे से गूंथ लेंगे, इसके बाद हम इसका नमक डाल के थोड़ा सा अजवाइन डाल के खस्ता बना लेंगे।
फाइनली बन गई है हमारी गुजिया, और ये बन तो गई है। अब टेस्ट करके पता चलेगा कि बनी कैसी है। क्या जैसी भी बनी हो अब बन तो गई है, तो फिर अभी तो टेस्ट नहीं करेंगे, पहले भगवान जी को रखेंगे, पितृ देवताओं को रखेंगे, और फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि कैसी बनी है, तब बताएंगे आपको टेस्ट करके। तो अभी हमारी गुजिया हो गई है फाइनल। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ खस्ता, और खस्ते में मैंने वाला आटा यूज़ किया है जो एक्स्ट्रा बच जाता है। तो नमक हम अभी डालेंगे, क्योंकि अगर पहले से खस्ते के लिए गूथा हुआ होगा मैदा तो पहले डाल सकते हैं नमक, पर हमने नहीं गूथा था क्योंकि वो एक्स्ट्रा था। तो अब हम लास्ट में जब रोटियां बेल लेंगे तब डालेंगे नमक खस्ते में, क्योंकि हमने पहले जो आटा दिया वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला है ना, गुजिया का बचा हुआ आटा मैदा, तो नमक हमने ऐड नहीं किया उसमें। तो अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक ऊपर से। खस्ता बनाना मेरा सबसे फेवरेट है, खस्ता इतना ईजी होता है बनाने में। हो ही जाता है, मीठा ज़्यादा खाया नहीं जाता, नमकीन खाने में, और काफ़ी टाइम तक रह भी जाते हैं खस्ते, तो खाने में बड़ा मज़ा आता है। अब रोटी तो हमने बेल ली है इसकी, इसे और ये हम कट करेंगे इसे चाकू की हेल्प से। खस्ते हम इसमें डाल देंगे और हमारे खस्ते हो रहे हैं तैयार। मुझे ना फिर गुजिया से ज़्यादा वैसे खस्ते पसंद है, क्योंकि मीठा मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। खस्ते मुझे नमकीन अच्छे लगते हैं, और बाद में तब काफ़ी टाइम तक रह भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमारी गुजिया हो गई है बनकर तैयार, और ये रही है, और खस्ते भी हो गए हमारे रेडी। तो अभी हम पहले ये रखेंगे भगवान जी के लिए थोड़ा, है ना, ये सबसे पहले रख देते हैं हम भगवान जी के लिए। पहले भगवान जी टेस्ट करके बताएंगे हमें कि गुजिया कैसी बनी है, फिर उसके बाद हम खाएंगे। तो फ्रेंड्स हमने रख दिया है भगवान जी के लिए, और इसके बाद हमने चाय भी बना ली है, और इसके बाद हम टेस्ट करके बताएंगे कि गुजिया कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स अभी हम खा के बताएंगे कि कैसी बनी है। हाँ यार अच्छी बनी है, अच्छी बन लगी, अच्छी है, मीठा भी ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप स्वाद लीजिए इन खस्तों का और गुजियों का, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बार फिर से आपको हैप्पी होली।